वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अर्ली इनिशिएटिव्स। इसमें बताया गया है कि यूएसएसआर में 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे। यूएसएसआर से इंस्पायर होकर इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स बनाना स्टार्ट किया। प्लान्स बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बजट तैयार करना पड़ता है। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि हमारी कंट्री को कहां कहां से इनकम होने वाली है और कहां कहां पर एक्सपेंडिचर होगा। हमारी कंट्री में 2 तरह के बजट बनाए जाते हैं, नंबर 1 प्लान बजट एंड नंबर 2 नॉन प्लान बजट। प्लान बजट को 5 ईयर्स के लिए बनाया जाता है। ये प्लान बजट बेसिकली 5 ईयर प्लान के लिए बनाया जाता है। 5 ईयर प्लान्स को इसीलिए बनाया जाता है ताकि इकोनॉमी के किसी भी एक सेक्टर में गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट कर सके। फॉर एग्जांपल, इंडिया के फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसका साफ साफ ये मतलब था कि गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी। वेयर एज नॉन प्लान बजट को ईयरली बेसिस पर बनाया जाता है, मतलब हर साल एक नया नॉन प्लान बजट बनाया जाता है। ये नॉन प्लान बजट गवर्नमेंट के रूटीन फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। रूटीन फंक्शंस के एग्जांपल हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देना, लोगों को पेंशन देना, और अगर इंडिया ने किसी दूसरी कंट्री से लोन लिया है तो उसके पैसे वापस करना। अब हम 5 ईयर प्लान्स को स्टडी करेंगे। 1951 में बनाया जाता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर, और 5 साल बाद मतलब 1956 में ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान ख़त्म हो जाता है। फिर 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया जाता है जिसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल सेक्टर, और 5 साल बाद मतलब 1961 में ये सेकंड 5 ईयर प्लान ख़त्म हो जाता है। फिर 1961 में बनाया जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान, और इस प्लान का भी मेन फोकस था इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर 5 साल बाद मतलब 1966 में ये थर्ड 5 ईयर प्लान ख़त्म हो जाता है। फिर 1966 में इंडिया प्लान हॉलीडेज ले लेता है, मतलब इन 3 सालों में कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया। फिर 1969 में फाइनली फोर्थ 5 ईयर प्लान बनाया जाता है। इस चैप्टर में हमें मेनली फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ना है। अब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान को स्टडी करेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया था 1951 में। इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को ख़त्म करना। के एन राज ने इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था। के एन राज ने कहा था दैट इंडिया शुड हेस्टन स्लोली फॉर 2 decades, मतलब 20 ईयर्स तक इंडिया को बहुत ही स्लो डेवलपमेंट करनी चाहिए, अदरवाइज इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। हम सब ने अपनी दूसरी बुक में पढ़ा था कि यूएसएसआर में जब बहुत फास्ट डेवलपमेंट किया गया था तो उसे शॉक थेरेपी कहा गया, जिसकी वजह से यूएसएसआर को बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश करी गई। कंट्री में काफ़ी सारे डैम्स बनाए गए, जैसे भाखड़ा नंगल डैम एटसेट्रा एटसेट्रा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये भी डिसाइड किया गया था कि हमें इंडिया की नेशनल इनकम को इनक्रीज़ करना है, और ये सब तभी हो सकता है जब इंडिया के सिटीज़न ज़्यादा सेविंग्स करें और एक्सपेंडिचर को कम करें। अब हम इस चीज़ के पीछे की इकोनॉमिक्स को समझेंगे। देखो, जब ये इंसान अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करेगा तब बैंक के पास पैसे आएंगे, फिर ये बैंक इन पैसों की मदद से बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देगा, फिर उस पैसे से ये बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कंपनी ओपन करेंगे, अपनी फैक्ट्री ओपन करेंगे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और इंडिया की GDP इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। आई होप आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान समझ में आ गया हो। अब हम सेकंड 5 ईयर प्लान को डिस्कस करेंगे।
1956 में सेकंड फाइव ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। सेकंड फाइव ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाना। पीसी महलानोबिस ने सेकंड फाइव ईयर प्लान को बनाया था। पीसी महलानोबिस को आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड फाइव ईयर प्लान कहा जाता है। और तो और ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी हैं। इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है और तो और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी करी जाती है। मद्रास में एक जगह है अवाधी, वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम इंडियन सोसाइटी को सोशलिस्ट पैटर्न के बेसिस पर डेवलप करेंगे। इस चीज़ को पूरा करने के लिए सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने 5 तरह की इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर का पार्ट बनाया। उन 5 इंडस्ट्री को हम लर्न करेंगे मिस्टर सेक से। आप सबको याद होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, कॉट, टैन, सेक, कोसेक ये सब पढ़ा करते थे, तो उसी में से हमने सेक को उठाया है। तो एम से हो जाएगी मशीनरी, आर से हो जाएगा रेलवे, एस से हो जाएगा स्टील, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी और सी से हो जाएगा कम्युनिकेशन। और तो और इम्पोर्ट्स पर टैरिफ लगाए गए, मतलब दूसरी कंट्रीज से आने वाले सामान पर टैक्सेस लगाए गए ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करो कि ये एक इंसान है और इसे एक पेन ख़रीदना है। जो इंडिया की कंपनी है वो अपना पेन 5 रुपये में बेचती है और जो USA की कंपनी है वो अपना पेन 3 रुपये में बेचती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंसान USA का पेन खरीदेगा क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है और इंडिया में पेन बनाने वाली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को लॉस होगा। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट USA के इम्पोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाएगी, मतलब USA के एक पेन के ऊपर 4 रुपये का टैक्स लेगी, जिसकी वजह से USA अपना पेन 7 रुपये का बेचेगा। और इस बार ये इंसान इंडिया का पेन खरीदेगा क्योंकि इंडिया का पेन सस्ता मिल रहा है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि इम्पोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाने से क्या होता है। सेकंड फाइव ईयर प्लान के टाइम पर इंडिया को एक प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा था। उस समय इंडिया टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थी, इसीलिए हमें दूसरी कंट्रीज से टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ी। अरे यार कितने मच्छर हैं हमारे घर पे, मुझे इतनी जगह काट लिया। हम भी तो यहीं बैठे हैं, हमें तो नहीं काटा मच्छर ने, आपको ही ज्यादा प्यार करते हैं क्या मच्छर? इसका खून ज्यादा मीठा होएगा, न्यू खावे से मच्छर। इसका खून मीठा, बोलता तो इतना कड़वा है। जब दादी कहती है पूरे बाजू के कपड़े पहनने को, तब तो भैया को फैशन करना होता है। ऑल आउट ही जला ले तो ज्यादा मच्छर खावे है तो। मम्मी जलावे ऑल आउट तो ही जले, भैया तो जलावे नहीं ऑल आउट कभी भी। इसका तो फोन भी मैं ही लगाऊं चार्जिंग पे। ओडोमोस ही लगा लिया कर। ना वो क्यों लगा लेगा, 100 तरह के क्रीम पाउडर तो लगा लेगा पर ओडोमोस नहीं लगाएगा। मुझे ना वो दिला दो मच्छर मारने का रैकेट। भैया पूरे दिन आप खाली रहो, कम से कम मच्छर मारने ही सीख लो। अब हम थर्ड फाइव ईयर प्लान को डिस्कस करेंगे। ये प्लान 1961 में लॉन्च हुआ था। इस प्लान को अर्बन बायस कहा जाता है क्योंकि इस प्लान के थ्रू एक बार फिर से इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया। चलो तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।